किसान दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मी फार्मिंग आज आपको एक नए टॉपिक से परिचय करा रहा हूँ। यह टॉपिक एक कैश क्रॉप के लिए है। हमारे उन कैश क्रॉपों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जल्दी हमें कैश प्राप्त देने वाली फसल है मटर। आइए जाने कैसे करें जिसमें हम सफलता हो 100% पाए। साथियों, मटर की फसल बोने से पहले हमको ये विचार करना है कि हम मटर की फसल किस लिए कर रहे हैं। मटर की फसल को दो उद्देश्य के लिए बोया जाता है। यदि आपका उद्देश्य मटर की दाल पैदा करना है तो आप पछेती मटर बोइए और उससे अनाज उत्पादन करिए, मार्केट में बेचिए, पैसा कमाइए। और यदि आपको मटर की फली बेचना है तो उसके लिए अगेती फसलों को आप सब्जी की मटरों को बोइए और उनको तैयार करके बाजार में आप उनकी फलियों को बेचिए और उससे आपको पैसा कमाइए। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। चुनाव आपको इसी समय कर लेना है कि हमको फली बेच के पैसा कमाना है या मटर के दानों को बेच करके हमें पैसा कमाना है। मटर के दानों को बोने की मटर अलग है, मटर की फली को बेचने के लिए उसके बीज अलग है। दोनों उद्देश्य एक साथ नहीं पूरा होगा। आपको तय करना होगा कि हमें कौन सा बेचना है। दाल के उत्पादन हेतु जो मटरें बोई जानी हैं उनमें से टॉप वैरायटी हैं रचना या शिखा या अर्पणा। ये प्रमुख 3-4 वैरायटीज हैं जिनका आप उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं। इन बीजों को बोएं, बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप बाजार में मटर की फली बेचना चाहते हैं तो उसके बीज हैं अगेती फसलों में सब्जी के जो प्रमुख बीज हैं उनमें है AP3 या AP1 या PSM3। ये पंजाब सेगमेंट की ब्रांडेड हैं, बहुत समय से चल रही हैं लेकिन बहुत अच्छा फल दिए हैं। ये बीज 2 किलो प्रति बिश्वा के रेट से इनको बोया जाएगा और इनका उत्पादन आपको 60 से 70 दिन में बेचने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, मटर फली उत्पादन का टॉप वैरायटी बीज आज मेरे पास 3 प्रकार के हैं। ये अपनी जगह पर मार्केट में 3 स्थान पर हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानों पर हैं। इनमें से किसी बीज को आप लेकर लगाया है तो उत्पादन आपको निश्चित मिलेगा। उसका पहला प्रथम स्थान रखने वाला बीज ये है। यह बीज GS10 एडवांटा कंपनी का है और बहुत अच्छा उत्पादन मार्केट में कई वर्षों से दिया है। आप इसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। इसकी दूसरी बढ़िया प्रजाति निकली है, RK कंपनी का है। यह प्रोडक्ट धनवर्षा के नाम से है और जैसे इसका नाम है धनवर्षा, वैसे यदि आपने इसको लगाया है तो वाकई में आपके घर धन बरसेगा। मैंने बोया है, मैं प्रैक्टिकली इसको बोता हूँ और इसको आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप बो के देखिएगा, इस वर्ष आपको 3 महीने में इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। बस एक बार आप इसको लगा के तो देखें। तीसरे स्थान पर साइंस सीड्स का ये प्रोडक्ट है, SS10 के नाम से है और ये GS10 और SS10 सेम सेगमेंट पर है और इसका भी बीज बहुत अच्छा निकला है, आप उसको भी बोएं। ये सभी तीनों वैराइटीज़ के बीज जो हैं इनको 1.5 किलो प्रति बिश्वा के रेट से बोना चाहिए। यदि आप ट्रैक्टर से और छीट करके इसकी बुआई कर रहे हैं तो। साथियों, अभी मैंने आपको ये बताया कि कौन सी वैराइटी मार्केट की सबसे अच्छी वैराइटीज़ हैं और इसका क्या रिजल्ट था। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीज ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि बीज तो आप बढ़िया खरीद लिए और उनको ठीक ढंग से आपने किया नहीं तो ऐसे ही नहीं पैदा हो जाएगा। आप उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, मेरा सुझाव उस पर है कि आप उन 4-5 चीज़ों को आप फॉलो करें, बढ़िया रिजल्ट आएगा। नंबर 1, सबसे पहले बीज बोने जा रहे हैं
तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खेतों की भराई करके तब बुआई करें। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई थी और उन खेत में अभी नमी है और उसी नमी में आप ले जाकर के बीज को छींट दें और आपकी मटर उत्पादन हो जाएगी, कभी नहीं होगी, करके देख लीजिए। पानी खेतों की भराई करके तब आप फिर से बीज को बोएं। दूसरी चीज़ है मुख्य बात कि बीज को संशोधित करके ही बोएं। बीज को संशोधित करने के 3 प्रोडक्ट हैं, बाविस्टीन, थीरम और कैप्टान। ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनको 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के रेट से लेकर के थोड़ा सा पानी में उसको घोल बनाएं और मटर के बीजों में आप इसको लेपित कर दें। लेपित करके छाया में 1 घंटा पहले उसको फैला दें, सूख जाए, और उसके बाद आप खेतों में छींटकर इसकी बुआई कर दें। दोस्तों, यदि आप इसी समय मिट्टी का शोधन भी कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी शोधन करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है। मिट्टी शोधन के लिए मार्केट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी अलग दवा है और फास्फोरस फिक्सेशन के लिए भी दवा। इन दोनों चीज़ों को लाएं और 10 किलो गोबर में इनको मिक्स करके और पूरे खेत में आप छींट दें। उसका नाम है माइकोराजा और राइजोबियम कल्चर। ये दोनों चीज़ें आप ले लें, मार्केट में उपलब्ध हैं, अच्छी कंपनी का लें और इस तरीके से बिखेर दें, आपकी मिट्टी का भी शोधन हो जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए मटर उत्पादन में। बीज शोधन के दौरान जो 3 चीज़ें थीं, कैप्टान, बाविस्टीन, थीरम, इन तीनों चीज़ों के साथ 2 ग्राम एमिडान 70% WP इसको भी मिला कर दें। ये शोधन बहुत महंगा नहीं होता और ना बहुत कठिन है। बीज आपने लिया और इसको 100 ग्राम पानी में घोल बना दें और बीजों के ऊपर लेपित कर दें। इससे होता क्या है, इससे होता है कि 20 दिन तक, जब तक बीज जैसे ही मिट्टी के अंदर पड़ेगा और उनका अंकुरण और उनका डेवलपमेंट 20 दिन में होता है, तब तक बहुत नाजुक होते हैं पौधे, उनकी जड़, उनकी पत्ते, उनके सिस्टम में ये जहर लेपित रहता है, तो उनमें तना गलन और जड़ गलन, ये 2 रोग बिल्कुल नहीं लगेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, मटर की फसल के खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, गहरी जुताई से, और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसमें अब खाद जो है, गोबर की सड़ी खाद बहुत आवश्यक है। अगर नहीं उपलब्ध है तो रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद भी डालना जरूरी है, और इनके सही खाद बोने से पहले ही खेतों में डाले जाएंगे। पहले आप इनको खाद छींट दें, तब आप बीज को छींटें। इसमें कम से कम 20 किलो DAP, 20 किलो पोटास और 10 किलो यूरिया, 2 किलो जिंक और 2 किलो सल्फर, ये सभी खादों को एक साथ आप मिला लें और खेत में बिखेर दें। उसके बाद बीज छींट दें और मिला दें, मिला करके पलेवा लगा दें। ये सभी उर्वरक हमारे यहाँ 20-20 का बीघा होता है और 1 बीघे के लिए मैंने आपको बताया है। आप इस तरीके से खाद का प्रयोग करें और खेत में पलेवा लगाते समय हेंगे का प्रयोग करें ताकि मिट्टी बराबर से बैठ जाए और बराबर से रहे। यदि आपके खेत में खरपतवार की मात्रा अधिक होती है तो इसी समय आप इसका उपचार कर दें। बीज बोने के तुरंत बाद से 24 घंटे के अंदर 1 लीटर पेंडा मैथिलीन 200 लीटर पानी में घोल बना करके मिट्टी के ऊपर ही इसको स्प्रे कर दें। आगे से स्प्रे करें, पीछे पिछड़ते हुए जाएं। आपके खेत में खरपतवार का अंकुरण नहीं होगा और अभी ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बाद में आप खरपतवार को नियंत्रित करने की कोई दवा नहीं डाल पाएंगे। और यदि आप इसकी निराई गुड़ाई लेबर द्वारा कराएंगे तो आपके लिए कास्टली पड़ेगा। इसकी पहली सिंचाई फूल लगने के जब फली का आकार बन जाएगा तब की जाएगी।
इससे पहले आपको सींचना नहीं है, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि खेत की भराई करने के बाद ही आप मटर की फसल की बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। जो लोग मटर बारिश के पानी में बो रहे हैं उनका उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता है और वो बताते हैं कि अब तो फेल हो गए। फले लगने के बाद यदि आपको आशंका है तो भी और नहीं भी है तो भी 2.5 ml, 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसमें मेलाथियन या एमेडाम, जिसे हम एमिडाक्लोरोप्राइड 17.8% कहते हैं, उसकी 100 ml की बॉटल, 120 रुपये इसका दाम है, 100 लीटर पानी में मिला के उसको हम स्प्रे कर दें तो हमारी फलियों में तना छेदक भी नहीं लगेगा और बढ़िया रहेगा मेरे लिए। दोस्तों, आज का वीडियो में बुआई से लेकर के और इसकी कटाई तक का कंप्लीट आपको मैंने दिया, और इसको इस विधि के अपना करके आप अपनी खेती करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।